लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा था इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड ऑपरेटिंग सिस्टम का। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ओके, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस की डेफिनेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं। द प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस। अब अंडर एग्जीक्यूशन आप किस किस को चीज को अंडर एग्जीक्यूशन बोल सकते हैं? अंडर एग्जीक्यूशन के लिए इट शुड रिसाइड इन द मेन मेमोरी। ओके, मतलब जो आपका प्रोग्राम है वो मेन मेमोरी के अंदर होना चाहिए। इट शुड रिसाइड इन द मेन मेमोरी। ओके, नेक्स्ट थिंग, इट इट ऑक्यूपाई CPU to execute the instructions। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका प्रोग्राम है वो ऑक्यूपाई करना चाहिए CPU को, मतलब उसे को CPU को ऑक्यूपाई करना है अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, पहली बात तो कि वो मेन मेमोरी के अंदर होना चाहिए, दूसरा उसे मतलब सीपीयू मिलना चाहिए ताकि वो अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सके। तीसरा पॉइंट है वो एक्टिव स्टेट में होना चाहिए और डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए, मतलब रीलोकेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसे स्टैटिक स्टैटिक एड्रेस बाइंडिंग कर रहे हैं, रन टाइम पे भी वो रीलोकेटेबल होना चाहिए तभी उसे हम प्रोसेस कह सकते हैं, वरना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होंगे। ओके, तो एट्रीब्यूट्स हम देख लेते हैं ऑफ प्रोसेस। एक एट्रीब्यूट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, मतलब उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोसेस आईडी। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है प्रोसेस को जब प्रोसेस क्रिएट होता है। तो इसे आप इसकी डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिए। इट इज एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज असाइंड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। अब देख लेते हैं प्रोसेस स्टेट क्या होती है। ये एक इंडिकेटर होता है जो हमें ये बताता है हमारा जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है। तो जब हम आगे अभी प्रोसेस स्टेट डायग्राम समझेंगे ना तब आपको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रायोरिटी किसे बोलते हैं? प्रायोरिटी ये एक पैरामीटर होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा दिया जाता है जब प्रोसेस क्रिएट होता है। आप इसकी भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज एन पैरामीटर गिवन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एट द टाइम ऑफ प्रोसेस क्रिएशन। ओके, प्रोग्राम काउंटर, ये हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, जो हमारी करंट इंस्ट्रक्शन है उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कैसे, एक प्रोग्राम है, मान लीजिए पीजी एक प्रोग्राम है, इसके अंदर i1, i2, i3, i4, i5 बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है ऐसे। ठीक है, एग्जीक्यूट करते करते अभी थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो जो प्रोग्राम काउंटर होगा वो i4 का एड्रेस, जो एड्रेस होता है उसे स्टोर करके रखेगा। वो स्टोर क्यों करके रखेगा? जब हम प्रीएम्पशन आती है, या मान लो यहां से हमने एक फंक्शन कॉल करा, मान लो i3 जो है वो एक फंक्शन कॉल है एक फंक्शन पे, फंक्शन f3 पे, तो जब फंक्शन f3 कंप्लीट हो तो हमारा कंट्रोल वापस i4 पे ही वापस आए, तो उसे इंश्योर करने के लिए हमारा प्रोग्राम काउंटर यूज होता है। और इसके बहुत सारे यूजेस हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद आता है जनरल पर्पस रजिस्टर। ये एक स्पेशल ग्रुप ऑफ रजिस्टर होता है जो कि यूज होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने में, मतलब कैलकुलेट करने में। ये यूज होता है प्रोसेसर के द्वारा। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ये सारी लिस्ट है कि आपके प्रोसेस ने कौन कौन सी फाइल्स को ओपन करा है। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइस, कौन कौन सी डिवाइसेस को ओपन करा है। प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, मतलब प्रोटेक्शन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन के लिए जो आपके पास पैरिटी बिट्स गिवन है, अलग अलग हमारी प्रोटेक्शन बिट्स गिवन होती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। ओके, ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। ओके, कॉन्टेक्स्ट, जितने भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं ना, मतलब आप समझ गए होंगे, जो भी एट्रीब्यूट होते हैं प्रोसेस के उसे हम कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, मतलब वो कहलाते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। और जितने भी कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो PCB के अंदर स्टोर होते हैं। PCB क्या स्टैंड करता है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ओके, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक।
अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दिखता कैसे है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऐसा दिखता है कुछ, मतलब यहाँ आपकी प्रोसेस आईडी होती है, यहाँ आपका प्रोसेस स्टेट होता है, यहाँ आपकी प्रायोरिटी पैरामीटर स्टोर होता है, यहाँ आपके जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, यहाँ आपका प्रोग्राम काउंटर हो गया, यहाँ आपकी लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स हो गई, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस हो गए, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन हो गई। ये जो कंप्लीट ग्रुप है इसे हम बोलते हैं पीसीबी। अब हर एक प्रोसेस का अपना खुद का एक पीसीबी होता है, मतलब एवरी प्रोसेस हैव इट्स ओन पीसीबी। ओके, उसके बाद जो पीसीबी होता है वो मेन मेमोरी में रिसाइड करता है, मतलब जो आप प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस पीसीबी के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो जो पीसीबी होगा वो आपका मेन मेमोरी के अंदर रिसाइड करेगा। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा कि हर एक प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है, मतलब ईच प्रोसेस हैव इट्स ओन पीसीबी एंड द पीसीबी मस्ट बी रिसाइड इन द मेन मेमोरी। ओके, द लास्ट पॉइंट, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन ये इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कोई भी आपसे पूछ सकता है, जो पीसीबी इंप्लीमेंटेशन है वो कैसे किया जाता है? जो पीसीबी इंप्लीमेंटेशन है वो डबल लिंक लिस्ट के द्वारा किया जाता है। तो द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीसीबी इज डन बाय डबल लिंक लिस्ट। ओके, प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ओके, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, स्टेट डायग्राम, डोंट डोंट ड्रॉ इट। ओके, जब प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है, जब क्रिएट हो रहा होता है तो वो होता है न्यू स्टेट में। जैसे मान लीजिए यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं एक प्रोसेस P1 क्रिएशन में, अभी जब क्रिएट हो जाता है, जब मतलब क्रिएशन कंप्लीट हो चुकी है उसकी, तब वो जाता है न्यू से रेडी स्टेट में। अब जो न्यू से रेडी स्टेट में ले जाने का काम है वो करता है आपका LTS, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, वो एक प्रोसेस जो क्रिएट हो चुका है उसे न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लेके जाता है। ठीक है, प्रोसेस यहां से यहां ले गया। अब मान लीजिए प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर, रेडी क्यू के अंदर, रेडी स्टेट के अंदर एक रेडी क्यू होती है। ठीक है, रेडी क्यू के अंदर जैसे कि आप नाम से ही पता लग रहा है, क्यू मतलब एक से ज्यादा चीजें होंगी, क्यू है उसकी मतलब एक लाइन है। तो यहाँ आपकी रेडी क्यू है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं। मान लीजिए प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 5 है, प्रोसेस 7 है, ऐसे करके बहुत सारे प्रोसेस वेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से एक प्रोसेस को सेलेक्ट करा जाता है। अब वो सिलेक्शन का काम कौन करता है? सिलेक्शन का काम करता है आपका STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका सेलेक्ट करता है यहां से इन प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को, उसकी प्रायोरिटी और अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो हम आगे CPU शेड्यूलिंग में पढ़ेंगे, उनके बेसिस पे कोई एक प्रोसेस को सेलेक्ट करता है, उसके बाद उस प्रोसेस को रेडी से रन में भेज देता है। अब यहां से यहां ले जाने का काम कौन करता है? वो कहता है डिस्पैच्ड या डिस्पैचर। ओके, डिस्पैचर जो होता है वो रेडी स्टेट से रन स्टेट में लेके जाता है। अब रन स्टेट के अंदर होता है आपका CPU। ओके, रन स्टेट के अंदर आपका CPU है, तो उस प्रोसेस को CPU चाहिए अपनी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I3 है, I4 है, ऐसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है। अब यहां दो केस बनते हैं, या तो उस प्रोसेस को IO डिवाइसेस चाहिए होंगे या नहीं चाहिए होंगे। अगर नहीं चाहिए होंगे वो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब किल हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसे IO चाहिए, I4 पिक के बाद उसे IO ऑपरेशन चाहिए, वो कुछ इनपुट लेना चाहता है या आउटपुट देना चाहता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो प्रोसेस रन से वेट स्टेट में चला जाएगा। ओके, जब उसे IO रिक्वायरमेंट होगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं IO रिक्वेस्ट। ठीक है, उसके बाद जब IO कंप्लीट हो जाएगी, IO कंप्लीट हो जाएगी, तो वो वेट से रेडी क्यू में वापस चला जाएगा। ठीक है, वेट से रेडी क्यू में वापस चला गया। अब जब रेडी क्यू में चला गया, फिर दोबारा वो क्यू में लगेगा, फिर दोबारा उसके सारे फैक्टर को मेजर करते हुए STS शेड्यूल करेगा। ठीक है, यहाँ जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, एक मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग एक टर्म होती है। अब तक मैंने जो आपको समझाया बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समझाया कि यहां से यहां गया, यहां से यहां चला गया। अब जब मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, इस जब वो प्रोसेस
रन स्टेट से वेट स्टेट में जाएगा तो हमारा जो सीपीयू है वो आइडियल स्टेट में, मतलब जो रन स्टेट है वो फ्री है, तो हमें फ्री नहीं रहने देनी है। इस पर्टिकुलर टाइम पे हम एक यहां से एसटीएस एक और प्रोसेस को सेलेक्ट करेगा, फिर उसे डिस्पैच करेगा, डिस्पैचर के थ्रू डिस्पैच करेगा रन स्टेट में। तो एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेस हैं हमारे सिस्टम में, रेडी स्टेट में रह ही सकते हैं, ठीक है, और एक साथ एग्जीक्यूट भी हो रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी टास्किंग, जो मल्टी टास्किंग हमारा होता है, मल्टी टास्किंग में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि एक टाइम क्वांटम होता है, या टाइम स्लाइस होती है, या टाइम स्लॉट होता है। मैं टाइम क्वांटम लिख रहा हूं, हर एक एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट होता है हर एक प्रोसेस को, जो उसे परफॉर्म करना होता है रन स्टेट में। अगर उसके अंदर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाता है, अगर नहीं होता तो वो दोबारा रेडी क्यू में आके वेट करेगा, तो डायरेक्टली तो आ नहीं सकता, तो हमें यहाँ एक और एच देनी पड़ेगी, जिसे हम लिखना पड़ेगा प्रियम्पशन। ओके, प्रियम्पशन लिख लीजिएगा, प्रियम्पशन। ओके, उसके बाद जब ये यहां से प्रियम्प्ट हो चुका है तो आपका मल्टीटास्किंग भी हो गया। अब एक नई टर्मिनोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब मान लीजिए, एक ये चीज जान लीजिए आप, शायद मैंने नहीं बताई होगी पहले, रेडी स्टेट, रन स्टेट और ब्लॉक स्टेट ये रिप्रेजेंट करती है मेन मेमोरी को। मतलब अगर कोई प्रोसेस इन तीनों स्टेट के अंदर है तो वो मेन मेमोरी के अंदर है। ओके, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं मेमोरी लिमिटेड होती है, मेन मेमोरी लिमिटेड होती है, बहुत छोटी होती है, सेकेंडरी मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा बड़ी होती है। तो मेन मेमोरी लिमिटेड होती है, अगर हम बहुत सारे प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ एलटीएस है, एलटीएस को आपने इस तरह से कम, मतलब एलटीएस को इस तरह से प्रोग्राम करा गया है कि उसे हाई थ्रोपुट के लिए प्रोग्राम करा गया है, मतलब वो हाई थ्रोपुट देना चाहता है, तो वो लगातार प्रोसेस को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा मेन मेमोरी के अंदर, इंट्रोड्यूस देता रहेगा रेडी क्यू के अंदर, देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद रेडी क्यू फिल हो जाएगा, मतलब कंप्लीटली फिल हो जाएगा, वो उसके बावजूद भी देना चाहता है लेकिन नहीं दे सकता, तो उस टाइम पे क्या होगा, प्रोसेस लॉस्ट ना हो तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो नई स्टेट को इंट्रोड्यूस करता है इस केस में, जो कि आपकी सस्पेंडेड रेडी स्टेट, अगर वो रेडी क्यू में है, ठीक है, आपको मेन मेमोरी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं लगातार, और एलटीएस अभी भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, तो रेडी क्यू में से कुछ प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये जो एरो जा रही है, सस्पेंड कर दिया जाएगा, सस्पेंड, सस्पेंडेड रेडी स्टेट में। अब सस्पेंड कौन करेगा, ठीक है, जो सस्पेंड करेगा वो आपका करेगा MTS, मिड टर्म शेड्यूलर, जो आपका मिड टर्म शेड्यूलर है ना वो इसे सस्पेंड करेगा। ओके, MTS। अब जब मान लीजिए मेमोरी अवेलेबल हो गई, मतलब यहां जो टास्क थे उन्हें सीपीयू मिला, उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया, अब आपके पास फ्री मेमोरी है, तो MTS ही उन्हें रिज्यूम करेगा, रिज्यूम्ड। ओके, तो MTS ने सस्पेंड किया, MTS ने रिज्यूम कर दिया। अब सेम केस होता है आपका वेट में, जैसे कि मैंने अब आपको बताया कि जब उसे IO रिक्वेस्ट होगी, तो मतलब यहां आपके IO डिवाइस जो है वो यहां लाई करते हैं, जितने भी आपके IO डिवाइसेस हैं, अब IO डिवाइस भी लिमिटेड होते हैं, आपको बहुत मतलब बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ IO चाहिए, तो क्या होगा, OS उन्हें भी सस्पेंड कर देगा। अब ये भी सस्पेंशन जो होगी वो MTS के द्वारा होगी, मतलब मिड टर्म शेड्यूलर के द्वारा होगी। तो ये हो गया आपका सस्पेंड, और ये आपका हो गया रिज्यूम्ड। जब आपके पास IO, IO के लिए IO नहीं थे आपके पास अवेलेबल, तो आपने सस्पेंड कर दिया, और जब आपके पास IO अवेलेबल हो गए तो आपने रिज्यूम कर दिया दोबारा वेट में। अब जैसे मान लीजिए यहां एक सिनेरियो है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मेरे मेरे हिसाब से, अगर मान लीजिए उसने IO अपना कंप्लीट कर लिया है, मतलब एक प्रोसेस है जो यहां है, उसने अपना IO कंप्लीट भी कर लिया है, वो बस यहां जाना चाहता था, लेकिन उसकी प्रायोरिटी बहुत कम थी, उस प्रोसेस की प्रायोरिटी बहुत कम थी, तो उसे सस्पेंडेड वेट स्टेट में डाल दिया गया है, ठीक है। तो अब वो यहां से कहां जाए, मतलब उसका IO जो रिक्वायरमेंट थी वो तो कंप्लीट हो चुकी है, तो वो IO ब्लॉक स्टेट में करेगा क्या, मतलब ब्लॉक स्टेट में वो करेगा क्या, तो उसे यहां से निकाल के यहां
सस्पेंडेड रेडी स्टेट में डाल दिया जाता है, और ये कब होता है? आयो कंप्लीटेड। रिसोर्स अभी भी लिमिटेड ही है तो उसे सस्पेंडेड रेडी स्टेट में इंट्रोड्यूस करा जाता है, ताकि वो डायरेक्टली वहां से अपनी रेडी स्टेट में चला जाए। तो हमने यहां तीन चार टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, MTS, LTS, STS, डिस्पैचर, न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रन स्टेट। और ये रेडी स्टेट, रन स्टेट और वेट स्टेट जो होती हैं, ये आपकी मेन मेमोरी के अंदर डिसाइड करती हैं, ठीक है। जो आपका सीपीयू होता है वो रन स्टेट के अंदर डिसाइड करता है। अब मैं इन सबको आपको नोट डाउन करवा देता हूं, आप थोड़ा साफ सी जगह में इस डायग्राम को बनाने की कोशिश कीजिए। ये जो मैंने सर्कल करे ये ना बनाए, बस ये डायग्राम बनाए, और जो ये ट्रांजेक्शन एरोज है इन्हें जरूर बनाए, और ये जो नाम है ये जरूर नोट डाउन कीजिएगा, MTS हो गया, रिज्यूम्ड हो गया, सस्पेंडेड हो गया, ओके। आप वो नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट्स जो आपको मतलब नोट्स में लिखने हैं। इसलिए मैंने पूरा स्टेट डायग्राम समझा दिया है, उस वीडियो को आप अगर एक बार में समझना है दो बार देखें, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। इनिशियली द प्रोसेस इज इन न्यू स्टेट व्हाइल इट इज क्रिएटिंग, ओके। When it created, it moves from new state to ready state, and the transition is performed by LTS, LTS, long-term scheduler. Okay. There are multiple processes waiting in ready state. Okay. One of the process is selected by STS. And it dispatched to run state. It dispatched to run state to occupy CPU to execute its instruction. While execution, if it require IO operation, IO devices. So it moves from run state to block state. While performing IO operation, if there is a lack of resources, so it moves from suspended block state to suspended block state. Okay. If it completes IO operation, then it moves from block state to ready state. The same lack of memory occur in suspended ready. If there is a lack of memory, then some process is suspended from ready state to suspended ready state. And when the memory is available, so some process are resumed from suspended ready state to ready state to perform its execution. Okay. After that, if it completes its execution, so it terminates. Whenever the process is residing in ready state, run state, and blocked state, so it is in main memory. Okay, when it is residing in suspended ready and suspended blocked state, so it reside in secondary memory. There are two kind of process. Process have two kinds: CPU bound process and IO bound process. CPU bound process, the process which require more amount of CPU time are called CPU bound process. Is statement se aap kya samjhe? जो प्रोसेस ज्यादा टाइम बिताए सीपीयू के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। तो इससे आपने कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या निकाल सकते हो? द प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम, द प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम इन रन स्टेट। ओके, द प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम इन रन स्टेट। अब IO bound process, the process which require more amount of IO time
आर कॉल्ड आयो बाउंड प्रोसेस, जिनको ज्यादा इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो तो उन्हें हम आयो बाउंड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हैं, दीज प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम इन ब्लॉक स्टेट। ओके, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट। ओके, द नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में जितने नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट हैं मेन मेमोरी के अंदर, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल रेडी स्टेट मान लीजिए, एक रेडी स्टेट है, रन स्टेट है, और यहाँ आपका ब्लॉक स्टेट है। ठीक है, तीन प्रोसेस आपके यहाँ है, P1, P2, P3। एक प्रोसेस रन कर रहा है P4। तीन प्रोसेस आपके यहाँ है, P5, P6, P7। ठीक है, और मान लीजिए आपके एक सस्पेंडेड रेडी स्टेट है, उसके अंदर दो प्रोसेस हैं, PX और PY। यहाँ भी आपका एक प्रोसेस है सस्पेंडेड ब्लॉक में। PZ, ठीक है, तो आपकी रेडी स्टेट के अंदर तीन प्रोसेस हैं, रन स्टेट के अंदर एक प्रोसेस है, ब्लॉक स्टेट के अंदर तीन प्रोसेस हैं। टोटल आपके सिस्टम के अंदर तीन तीन छह सात आठ नौ दस दस प्रोसेस हैं। लेकिन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कितनी होगी, जो कि मेन मेमोरी के अंदर होगा। हमने पीछे देखा था कि मेन मेमोरी सिर्फ रेडी रन और ब्लॉक स्टेट तक लिमिटेड है। जो भी इन तीन जो प्रोसेस इन तीनों स्टेट के अंदर कवर होंगे, सिर्फ वही मेन मेमोरी के अंदर आएंगे। तो तीन चार और तीन सात, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग हो गई इस सिस्टम की 7। ओके, अब हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग देख लेते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कब होती है, जब भी कोई प्रोसेस अपनी स्टेट चेंज करता है, मतलब कोई रेडी से रन में गया या रन से ब्लॉक में गया, तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट को स्विच करता है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट हमने जाना था, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है जब आप एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को, कॉन्टेक्स्ट किसे बोलते हैं, एट्रीब्यूट को बोलते हैं, आप लोड कर रहे हो एक स्टेट के अंदर। जैसे मान लो P1 आपकी यहाँ है, P1 को आपने यहाँ लोड कर दिया, और जो यहाँ एग्जिस्टिंग कंटेंट थे उसे दूसरी स्टेट के अंदर सेव कर रहे हो। ठीक है, तो लोडिंग द कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड सेविंग द कंटेंट ऑफ अनदर प्रोसेस इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, अब कॉन्टेक्स्ट मतलब एट्रीब्यूट जितने ज्यादा होंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो द हायर योर कॉन्टेक्स्ट आर, द मोर योर कॉन्टेक्स्ट टाइम इज। ओके, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम होता है ना, ये एक ओवरहेड होता है सिस्टम के ऊपर, क्योंकि सिर्फ बदलना है, दूसरे को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन इस टाइम के अंदर कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है ना, तो ये जो टाइम होता है ये ओवरहेड होता है, जो कि अनडिजायरेबल होता है। ओके, द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज ओवरहेड ऑन द सिस्टम विच इज अनडिजायरेबल। ओके, इन ऑपरेटिंग सिस्टम देर आर थ्री डिफरेंट शेड्यूलर। फर्स्ट वन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मिड टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर भी बोलते हैं। द जॉब शेड्यूलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड ब्रिंगिंग द जॉब फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट। ओके, द जॉब शेड्यूलर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग द गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आईओ बाउंड एंड सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस, सो द ओवरऑल थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम कैन इंक्रीज। द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज कंट्रोल्ड बाय LTS बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द न्यू प्रोसेसेस फ्रॉम न्यू स्टेट टू रेडी स्टेट, मीन्स फ्रॉम न्यू प्रोसेसेस टू मेन मेमोरी। ओके, देन सीपीयू शेड्यूलर और STS, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो नोन एज सीपीयू शेड्यूलर। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलेक्टिंग अ जॉब इन रेडी स्टेट। ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेडी स्टेट के अंदर एक जॉब को सेलेक्ट करने के लिए। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिड टर्म शेड्यूलर। जो मिड टर्म शेड्यूलर को हम मीडियम शेड्यूलर भी बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग द जॉब्स विच आर
सस्पेंडेड ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज. ओके लास्टली डिस्पैचर, इट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ लोडिंग द सेलेक्टेड जॉब टू द सीपीयू. द जॉब विच इज सेलेक्टेड बाय सीपीयू शेड्यूलर इज लोडेड थ्रू डिस्पैचर टू द सीपीयू. ओके द वर्क डन बाय डिस्पैचर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. द ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय डिस्पैचर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. राइट, ए सिस्टम हैज एन सीपीयू प्रोसेसर्स. वट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसर्स दैट कैन प्रेजेंट इन रेडी रन एंड वेट स्टेट. ओके नाउ आंसर. मिनिमम मैक्सिमम रेडी रन वेट. ओके द मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी प्रेजेंट इन रेडी स्टेट मिनिमम एनी और मिनिमम कैन बी जीरो मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ. What is any? Any depends on the maximum degree of multi-programming. Okay. Minimum number of process that is present in run state. Minimum कितने हो सकते हैं CPU के अंदर? हो सकता है एक भी ना हो. लेकिन maximum कितने हो सकते हैं? हमारे पास n CPU हैं, तो हमारे पास maximum n ही processor हो सकते हैं अलग-अलग CPU के अंदर एक point of time पे. क्योंकि हमारे पास n CPU हैं, तो n हैं. लेकिन अगर हमारे पास one CPU होता, तो सिर्फ one होते. वहां भी अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन कुछ अलग होता है, या मान लीजिए वन सीपीयू होता, तो तब भी मैक्सिमम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पे ही डिपेंडेंट होता है रेडी क्यू. क्योंकि एक बार में एक से ज्यादा प्रोसेस हो सकते हैं रेडी क्यू के अंदर. ओके वेट, वेट के अंदर भी मिनिमम जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ हो सकते हैं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक से ज्यादा आईओ प्रोसेस, मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस वेट कर सकते हैं आईओ के लिए वेट स्टेट के अंदर. ठीक है, तो जो एनी है वो डिपेंड करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग पर. प्रोसेस टाइम्स, द प्रोसेस हैज वेरियस टाइम्स लाइक एटी सीटी बीटी टीएटी डब्ल्यूटी आरटी. ठीक है, एटी स्टैंड्स फॉर अराइवल टाइम. अराइवल टाइम जिस टाइम पे वो प्रोसेस सिस्टम के अंदर आया, मतलब रेडी स्टेट के अंदर आया, मतलब मेन मेमोरी के अंदर आया, न्यू से रेडी रन, रेडी रन और वेट, ये सब सिस्टम कहलाया जाएगा, मतलब मेन मेमोरी कहलाई जाएगी. तो जिस टाइम पे जो प्रोसेस है वो रेडी स्टेट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ पहली बार, उसको कहा जाएगा अराइवल टाइम. दैट the time at which the process is introduced to the system is known as arrival time. Okay, CT completion time, the time at the at which the process completes its execution is known as completion time. Completion time. Okay, burst time, the time which required by the process to complete its execution is known as burst time. There is a difference between completion time and burst time. Burst time is the time which requires, and the completion time is the time at which it completes. Okay, turn around time, it is the time difference between completion time and arrival time is equal to turnaround time. Completion time minus arrival time is known as turnaround time. It is the difference between completion time and arrival time. Okay, it is basically the time in which the for which the process is present in the main memory. Okay, waiting time, waiting time, it is the difference between turnaround time and burst time. Okay, it is the time for which the process has to be wait
फॉर कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. ओके, इट इज ऑब्वियस दैट फॉर दिस टाइम द प्रोसेस इज इन द मेन मेमोरी एंड दिस इज द टाइम विच इज इट रिक्वायर टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन. सो द डिफरेंस अमंग देम इज द टाइम फॉर इट हैज टू बी वेट. ओके, देन रिस्पॉन्स टाइम, इट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस एटी अराइवल टाइम. द टाइम डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट रिस्पॉन्स एंड अराइवल टाइम इज नोन एज रिस्पॉन्स टाइम. ओके, राइट.